Hello guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the enzymes problems asked in the CSIR previous year paper, that is 2016 paper. Let's see what are those questions and how to solve them easily. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर मेरे एंजाइम्स की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ के एम वी मैक्स एंड व्हाट इज़ कैटालिटिक एफिशिएंसी एंड यू इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस एंड पैरामीटर्स एंड फॉर्मूलाज रिगार्डिंग द एंजाइम्स, देन प्लीज़ वो वीडियोस पहले देखिए, देन उसके बाद आप शिफ्ट करिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सीएसआईआर पेपर 2016. द फर्स्ट क्वेश्चंस is about part C, December, CSIR December, and what they have, a researcher was investigating a substrate of two enzymes X and Y of the same substrate, both enzymes and were subjected to treatment with either heat and inhibitor. Actually he want to check that ki jo एंजाइम एक्स है या एंजाइम वाई है, उन दोनों का सब्सट्रेट अलग है, उनके लिए सब्सट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या है. एक्स और वाई के लिए उन्होंने क्या किया, तीन, एक इनहिबिटर यूज़ किया, बी इज हीट ट्रीटमेंट एंड सी इज़ कंट्रोल, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है. तो प्रोटीन एक्स का देखिए, सी की सबसे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, आपने इनहिबिटर यूज़ किया तो एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई, आपने हीट ट्रीटमेंट दिया तो एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई, ठीक है. प्रोटीन वाई में देखिए, प्रोटीन वाई का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट उतनी ही एक्टिविटी है. जब आपने ए यूज़ किया इनहिबिटर कंसंट्रेशन, तो उसके बाद एक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, और बी यूज़ किया तो हीट ट्रीटमेंट यूज़ किया तो भी एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई, ठीक है. द ग्राफ इज़ मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, अगर आप देखें तो ग्राफ इज़ मोर और लेस सिमिलर. द स्पेसिफिक जो बोलते हैं कि एक्टिविटी जो इसमें है, कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्टिविटी 10 लिखी हुई, यहाँ पे 100 लिखी हुई है, ठीक है. तो अगर सबस्टेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता तो वो इनहिबिटर पे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ नहीं हो रही होती वाई में, ठीक है. तो द ऑप्शंस लाइक कि ओनली सब प्रोटीन एक्स इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्टेट, दिस इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज वाई भी स्पेसिफिक है, क्योंकि इनहिबिटर और हीट ट्रीटमेंट की वजह से उसकी स्पेसिफिसिटी या एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है. तो फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन, बोथ एक्स एंड वाई आर स्पेसिफिक फॉर द सब्सट्रेट, दिस ऑप्शन इज राइट, बिकॉज दोनों ऑप्शंस, दोनों केस में आपकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इनहिबिटर यूज़ करने पे या हीट ट्रीटमेंट यूज़ करने पे, ठीक है. तो दोनों ही जो एंजाइम्स है वो सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, क्लियर है, ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि CSIR जून 2016 में पूछा गया, पार्ट सी का क्वेश्चन है कि द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसका मॉलिकुलर वेट दिया है एंड वी मैक्स दिया है और आपका एंजाइम अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको कैलकुलेट करना है टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक. सो लेट्स सी कि हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दोज एंजाइम्स, ठीक है. आपको फॉर्मूला पता है, व्हाट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी. स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम कैटालिटिक एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी भी बोलते हैं. एंड बात करें तो टर्नओवर नंबर इज के कैट. सो लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन. टर्नओवर नंबर इज डिनोटेड बाय के कैट, ठीक है. मैं बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा होगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले मेरे एंजाइम्स के वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा. के कैट का फॉर्मूला क्या था, वी मैक्स डिवाइडेड बाई द टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पे एंजाइम का अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था. उसका वेट दिया हुआ था कितना, 2 माइक्रोग्राम. तो कॉन्सेंट्रेशन निकालिए मोल में, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोल में, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. वेट कितना था, 2 माइक्रोग्राम, और मॉलिकुलर वेट 40,000 डाल्टन. 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 ग्राम. पुट करिए यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 40,000 माइक्रो मोल, ठीक है. अब आप पुट करिए यहाँ पे, वेलोसिटी दी थी 4 माइक्रो मोल पर मिनट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम मोल में, जो आपने मोल में यहाँ पे कन्वर्ट किया था. पुट करिए, ये जो 40,000 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, और आप 2 into 2 जब 4 हो जाएगा, और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के कैट की वैल्यू, के कैट की वैल्यू मिलेगी आपको 80,000 पर मिनट, ठीक है.
एक बार फिर से देखते हैं, के कैट का फॉर्मूला क्या था, वी मैक्स अपॉन ई टी, ठीक है, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन होता है ना कि वेट होता है, याद रखे रहिएगा। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वेट अपॉन वॉल्यूम, मॉलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला होता है। वेट दिया हुआ था 2 माइक्रोग्राम, मॉलिकुलर वेट इतना ग्राम है, उसको कन्वर्ट करिए, आपको इतना माइक्रोमोल मिल जाएगा, ठीक है, 2/40,000 माइक्रोमोल। उसको पुट करिए जहाँ पे आपका एंजाइम यूज़ हो रहा था, कैलकुलेट करिए, सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, आपको मिल जाएगा के कैट या टर्नओवर नंबर की वैल्यू, दैट इज 80,000 पर मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के, दैट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है कैटेलिटिक इफिशियंसी। कैटेलिटिक इफिशियंसी को हम डिनोट करते हैं के कैट बाई के एम से, ठीक है। के कैट बाई के एम जो होता है, अगर आपके पास के कैट की वैल्यू तो यहाँ पे पता है, बट के एम की वैल्यू नहीं पता है, तो अब स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटीज लाइक वी, टोटल एक्टिविटीज वी मैक्स, ठीक है, टोटल एक्टिविटी और मैक्सिमम एक्टिविटी डिवाइडेड बाय द टोटल एंजाइम या प्रोटीन अमाउंट। जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे तो के कैट निकल आ रहा था, जब आप अमाउंट लिखते हैं तो क्या होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी आ जाती है। दिस इज द कैटेलिटिक एक्टिविटी, दिस इज स्पेसिफिक एक्टिविटी और कैटेलिटिक इफिशियंसी, ठीक है। अमाउंट क्या था, 2 माइक्रोग्राम, और अमाउंट याद रखे रहिएगा हमेशा एमजी में आपको पुट करना है, हमेशा एमजी में, पर एमजी प्रोटीन में कितना होता है एक्टिविटी वो, ठीक है। तो माइक्रोग्राम को एमजी में कन्वर्ट करिए तो 2×10⁻³ mg हो जाएगा। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, टोटल एक्टिविटी आपको पता है 4 μmol/min, पुट करिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, दैट इज 2×10³ μmol/min, ठीक है, क्लियर है, आपको एक्टिविटी पता चल गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दिस इज द सेकेंड वे टू कैलकुलेट द कैटेलिटिक इफिशियंसी और स्पेसिफिक एक्टिविटी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आस्क्ड इन द पार्ट बी ऑफ द CSIR June 2016। इन्होंने क्या किया कि पेनिसिलिन, अगर आपको पता होगा मैंने बताया था पेनिसिलिन इज द इरिवर्सिबल इनिबिटर, इरिवर्सिबली बाइंड करता है, ठीक है। पेनिसिलिन एक्ट इज अ सुसाइडल सब्सट्रेट, विच वन इज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कैटालिसिस डज अ सुसाइडल इनिबिटर अफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रेट लिमिटिंग जो अफेक्ट होता है एंजाइम का, वो क्या होता है, वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से जब प्रोडक्ट बनने वाला होता है, यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर दिया, तो जो सबसे रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जिसको वो अफेक्ट करता है वो होता है K3, ठीक है, K3 को अफेक्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, K3, सिंपल सी बात है, हमेशा मैंने बताया था कि जब अगर इनको सेपरेट नहीं किया, इन स्टेप्स को एक्सटेंड नहीं किया, ES से डायरेक्ट EP बन रहा था, EP एंड E+P, तो जो रेट होता है, जो सबसे रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो K3 होता है, ठीक है, वो K3 होता है। तो हमेशा याद रखे रहिएगा K3 विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप, एंड जो भी इनिबिटर्स होते हैं इरिवर्सिबली वो किसको इफेक्ट करेंगे, K3 को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द CSIR 2016। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग द CSIR एग्जामिनेशन एज वेल एज वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।